जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अक्षय तृतीया, जैसा कि आप लोग अक्षय तृतीया के बारे में नहीं जानते होंगे, आज मैं आप लोगों को अक्षय तृतीया के बारे में बताना चाहता हूँ कि किसी भी शुभ काम को करने के लिए किसी मुहूर्त या पोथी पत्रा देखने की जरूरत नहीं है। ऐसा है हमारा अक्षय तृतीया। हमारे भारतवर्ष में अक्षय तृतीया एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है जिसको हम लोग मनाते हैं। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया हम लोग कैसे मनाते हैं। अक्षय तृतीया आने वाला 26 अप्रैल यानी 26 अप्रैल इसी रविवार को है। तो कुछ जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया के महत्व क्या होते हैं। अक्षय तृतीया अलग अलग शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया का अलग अलग महत्व है। तो आइए अक्षय तृतीया के कुछ महत्व को हम लोग जानकारी साझा करते हैं। तो भगवान विष्णु का अवतार यानी भगवान परशुराम के रूप में अक्षय तृतीया के ही दिन अवतार लिए थे। यानी भगवान परशुराम का जन्म दिवस होता है अक्षय तृतीया के दिन। और भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को शुद्ध करने वाली, प्रसिद्ध करने वाली यानी सब पापों से मुक्त करने वाली माँ गंगा का स्वर्ग से धरती पर अवतरण हुआ अक्षय तृतीया के दिन। यानी वो दिन जिस दिन पूरा विश्व, पूरी धरती शुद्ध रूप से पवित्र हो गई, उस दिन अक्षय तृतीया का दिन होता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, ये कथा आप लोगों ने सुनी होगी, श्री कृष्ण और सुदामा की। उसी सुदामा की, जिनके पास द्वारिकाधीश को देने के लिए कुछ भी नहीं था, मात्र एक मुट्ठी चावल अपने कांख में दबाए हुए द्वारकाधीश के पास हो गए थे। और ऐसा माना जाता है कि जिस दिन सुदामा द्वारकाधीश से मिलने गए थे वो पवित्र दिन अक्षय तृतीया का ही दिन था। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं इसके आगे कि सुदामा के पास एक मुट्ठी चावल सिर्फ द्वारकाधीश को देने के लिए था और कुछ भी नहीं था। और वही सुदामा ने एक मुट्ठी चावल द्वारकाधीश को प्रसाद के रूप में दिया था। और आप लोग जानते ही हैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी चावल के बदले में सुदामा को क्या क्या प्रदान किए थे। यानी अक्षय तृतीया के ही दिन श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ था बहुत दिनों के बाद। ये थे कुछ अलग अलग महत्व अक्षय तृतीया के। और आइए अब हम लोग जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन हमें करना क्या चाहिए। तो अक्षय तृतीया के दिन हमें ये करना चाहिए कि जैसा कि आप लोग जानते हैं इस वर्ष लॉकडाउन का वर्ष चल रहा है और आप लोग कहीं बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसलिए मेरी यही गुजारिश है और यही करना भी चाहिए और अक्षय तृतीया के दिन यही किया भी जाता है कि जहाँ भी गौ माता यानी गाय भूखी प्यासी कहीं भी आपको कहीं भी दिखे, वहाँ पे आपको जाकर उनको गुड़ खिलाकर और पानी जरूर पिलाएं। क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन ये किया हुआ दान एकदम अच्छा हो जाता है। अक्षय तृतीया के दिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि एकदम श्रद्धा से स्नान करके, भाव और श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा करके और गौ माता की रक्षा और दान की। आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन जो आप दान करेंगे वो युगों युगों तक अच्छा हो जाता है। आप लोग, हमें भरोसा है कि आप लोग अक्षय तृतीया के बारे में समझ चुके होंगे और आशा में पूरा विश्वास है आप लोग गौ माता की सेवा करेंगे, उनको गुड़ खिलाकर पानी पिलाएंगे, उनकी सेवा करेंगे और जहाँ भी इधर उधर गाय माता ऐसी दिखें उनको सेवा करने की कृपा करें। और आप लोगों ने लास्ट में एक बहुत बड़ी गुजारिश है हमसे, हाथ जोड़कर बोलती है कि ये जो गौ हत्या हो रही है उनको आपको जितना हो सके, जितना भी हेल्प हो सके उनको बचाने का, आप अपने मन से अपने हिसाब से सब कीजिए कि इससे बहुत ही बड़ा धन धान्य आदमी होता है। और ठीक है।